बलौदाबाजार जिला के बिलाईगढ़ विकास खंड में 85 किलो गांजा के साथ एक दंपत्ति जोड़ा गिरफ्तार। मामला पुलिस थाना बिलाईगढ़ का है, जहां बिलाईगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से चार पहिया वाहन में भारी मात्रा में गांजा आ रहा है। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने नाकाबंदी कर बिलाईगढ़ से टुंडरी मार्ग पर एक गांजा तस्कर दंपत्ति जोड़े को पकड़ कर बिलाईगढ़ लाया गया। वहीं उक्त गांजे की कीमत 3,40,000 आकी गई है। आरोपी धन्यास पटेल 47 वर्ष और उसकी पत्नी संतराबाई पटेल ग्राम टुंडरी निवासी है, जिसके खिलाफ 20 BMDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना मिला था बड़े सवेरे कि ग्राम टुंडरा का धन साय पटेल अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी है इनके पास CG04LU9841 इको, इसके अंदर भारी मात्रा में गांजा लोड करके ये लोग बिलाईगढ़ के रास्ते से अपने गांव टुंडरा उड़ीसा से इन लोग लेकर आ रहे हैं करके सूचना मिला था। उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं अपने स्टाफ और क्राइम ब्रांच के एक स्टाफ लेकर के हम लोग जाके मुनासिब जगह पे हम लोग नाकेबंदी किया था और अलग अलग जगह किया था, ताकि इनके बहुत तेजी से चलाते हैं। तो हमने एक जगह एक आदमी खड़ा किया, उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही गाड़ी है कि नहीं। तो गाड़ी कंफर्मेशन होने पर हमने इनको घेराबंदी करके वहाँ पे रोका। उस क्या क्या धाराओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? 20 BNDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कितने किलो गांजा, कितने लाख रुपए के हैं? ये जो है 85 किलो गांजा है और इसकी मार्केट वैल्यू अभी जो इस एरिया में है उस आधार पर इसकी कीमत 3,40,000 आंकी गई है। अपराधियों का पहले से भी कोई मतलब आपराधिक पंजी है क्या? हाँ, यह सही है। ये जो है पहले ही सीपत के एक NDPS के मामला में ये सजा याप्ता है। न्यायालय ने इनको सजा सुनाया था, जिसके अंतर्गत ये पैरोल पर 1.5 साल पहले घर आया था और उन्होंने पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था, जिसकी पतासाजी पहले ही की जा रही थी। साथ ही जब इसने फरार हुआ तो गिधौरी थाने में अपराध क्रमांक 54/16/2016 में दर्ज हुआ था, जिसके अंतर्गत इसका स्थायी वारंट भी जारी है। हम लोग उसी के आधार पर इनकी पतासाजी कर रहे थे और एक्चुअल सूचना ये भी मिला था कि ये वही व्यक्ति है, तो हम वारंट के आधार पर भी इसकी तलाशी कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि लगातार इस गाड़ी में तस्करी किया जाता था, तो ये भी सही है क्या? हाँ, ये बात सही है कि इसी गाड़ी में 2017 में ये इसी थाने में अपराध क्रमांक 373/20 BNDPS एक्ट कायम किया गया है और उसके अंतर्गत इसके लड़का राम साय पटेल और लक्ष्मी नारायण इन लोग अभी भी जेल में बंद है। लिबर 28 के लिए बिलाईगढ़ भटगांव से योगेश कसरवानी की रिपोर्ट। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।